इकोनॉमिक टाइम्स के इस अवार्ड फंक्शन में मुंबई के हुज हु और सब ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुंबई को मेरे से बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है और जिनको मुंबई को जिनसे बहुत ज़्यादा होप है मैं जब यहाँ आया तभी मिस्टर रसीस जिस तरह से बात कर रहे थे तो मुझे लगा कि मुझे बहुत कुछ सीखना पड़ेगा बात करने से पहले हालांकि हम पॉलिटिशियन समझते हैं कि हमको बात करना बहुत अच्छी तरह से आता है मेरे पास स्किल डिपार्टमेंट है और मैं एक ओरिजिनली एक बिजनेसमैन हूं इसलिए मुझे इस बात की समझ है कि स्किल का कितना इम्पोर्टेंस आने वाले समय में है भारत के अंदर आज कुल मिला के फोर टू फाइव परसेंट लोग स्किल्ड हैं जबकि बाकी डेवलप्ड कंट्रीज़ में ये परसेंटेज 40, 50 उससे भी ज़्यादा है सो so, हमको उस लेवल तक पहुँचने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा माननीय पंत प्रधान नरेंद्र भाई मोदी ने 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो उस समय जो उन्होंने एक नया डिपार्टमेंट शुरू किया था वो स्किल डिपार्टमेंट था और आज भी उनका कहना है कि हमारे पास में बहुत अच्छे एंट्रप्रनर्स हैं सब लोग बहुत कुछ ऑनेस्टली करना चाहते हैं मेहनत करना चाहते हैं पर यदि उनको स्किल नहीं किया जाएगा तो मेहनत का पूरा यूटिलाइजेशन नहीं हो सकेगा मैं यहाँ पर जो इंडस्ट्री के टॉप लोग बैठे उन सब से महाराष्ट्र सरकार की तरफ से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ मिस्टर वैद्यनाथन आपकी परमिशन लेके एक सरकार की तरफ से छोटी सी रिक्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी में लूज नहीं करना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र के अंदर स्किल के बारे में सरकार करना चाहती है और आप लोगों को भी बहुत स्किल्ड लोग चाहिए हमारे पास में स्किल सेंटर हैं आई, आई हैं पर वो यदि कोई कॉरपोरेट हाउसेस उसके बारे में थोड़ा पार्टिसिपेशन करे, पैटर्नाइज करे, तो ही वो आगे बढ़ सकेंगे और ये जरूरी नहीं है कि आप हमारी बोर्ड में ही सवार हो आपकी अपनी अलग से सब कुछ स्टार्टिंग गाइड तरीके से आप कर सकते हैं मिस्टर सिंघानिया बैठे हैं यदि वो स्किल के रूप में गारमेंट्स के बारे में कुछ करना चाहें तो वो एक स्किल का बहुत अच्छा स्टार्ट हो सकता है आप इनक्यूबेटर्स के रूप में अपने संबंधित बिजनेस में लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं हमारे पास में बहुत सारे आईटीआई आई के पास में जगह है आप जो कुछ चाहेंगे हम उसके अंदर आपके साथ में मिलकर नई आईटीआई भी खोल सकते हैं मैं अपनी बात को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा मैं केवल इतना करना कहना चाहता हूँ कि आज यहाँ पर माननीय देवेंद्र जी फडणवीस हमारे जो उप मुख्यमंत्री हैं मेरे लीडर हैं वो आने वाले थे पर कोई कारणों से नहीं आ सके इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ पर उनको रिप्रेजेंट करने के लिए और जिस तरह से उनको आपने बुलाया था उसका थैंक्स देने के लिए यहाँ पर भेजा है मैं उनकी तरफ से पुनः एक बार आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र आपकी कर्म भूमि है हम सब में से कोई महाराष्ट्र छोड़ के जाएगा नहीं तो क्यों नहीं इस महाराष्ट्र को मुंबई को हम अच्छा बनाए सरकार अपना काम करती रहेगी पर सरकार कभी भी पूरे रिजल्ट अचीव नहीं कर सकती है जबकि उसके साथ में आप जैसे लोग नहीं हो हम और आप साथ में मिलकर थोड़ा फेत आप हम पर रखिए कि हम नॉर्मल सरकार की तरह न रखते हुए आपके फ्रेंड्स बनके आपके एसोसिएट बनके आपको अपना लीडर मानकर जो आज का सब्जेक्ट है फ्यूचर लीडर्स इंटरप्रेनर्स उसमें काम करना चाहते हैं आपका सहयोग मिलेगा इसी विश्वास के साथ में पुणे एक बार ईटी को बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्स